तो दोस्तों आज 15 जून 2020 सोमवार का दिन हो चुका है, तो आइए फटाफट से बात कर लेते हैं आज के ताज़ा खबरों की और आज के बड़े खबरों की। दोस्तों आपको बता दें कि आज की बड़ी खबरों में पीएम मोदी की तरफ से एक बड़ी खबर आई है। आपको बता दें पीएम मोदी 28 जून 2020 को पूरे देश के लिए कुछ नए ऐलान कर सकते हैं। तो दोस्तों इस खबर की पूरी रिपोर्ट अभी हम आपको थोड़ी देर में बताएंगे। दोस्तों इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में एक और बड़ी खबर आई है, जिसके तहत अब घर घर जाकर चीनी बीमारी का टेस्ट किया जाएगा, यानी अब सभी लोगों का चीनी बीमारी का टेस्ट होगा। तो दोस्तों इस खबर की भी पूरी रिपोर्ट अभी हम आपको थोड़ी देर में बताएंगे। दोस्तों इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में हज यात्रा करने को लेकर भी एक बड़ी खबर आई है। दोस्तों इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में एक दुख की खबर भी आई है। आपको बता दें कि अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या कर ली है, लेकिन आपको बता दें उनके मामा कह रहे हैं कि उनकी हत्या हुई है। दोस्तों आपको बता दें सुशांत सिंह की मौत पर पीएम मोदी ने, इसके अलावा राहुल गांधी ने भी ट्वीट कर शोक जताया है। दोस्तों आपको बता दें अभिनेता सुशांत सिंह ने अपने मरने से पहले अपनी माँ के लिए एक पोस्ट लिखा था, तो हम आपको उसके बारे में भी बताएंगे। दोस्तों इसके अलावा हम आपको बताएंगे आज की बड़ी खबरों में चीनी बीमारी के भी ताज़ा अपडेट। तो दोस्तों वीडियो को थोड़ा सा भी भगाए बिना ध्यान से आखिर तक देखें, ताकि कोई भी जानकारी मिस ना हो, क्योंकि आज हम आपको अपने इस वीडियो में बहुत सारी महत्वपूर्ण खबरें बताने जा रहे हैं। वीडियो में आगे जाने से पहले बस आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो आइए बिना देर किए चलते हैं सीधे आज की पहली बड़ी खबर की तरफ। दोस्तों आज की पहली बड़ी खबर में आइए आपको सबसे पहले बताते हैं चीनी बीमारी का बिल्कुल ताज़ा अपडेट पूरी दुनिया भर से। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि पूरी दुनिया भर में चीनी बीमारी के टोटल मरीजों की संख्या हुई 79,21,576। आपको बता दें इन 79,21,000 मरीजों में से अब तक 4,33,302 लोगों की जान जा चुकी है। इसके अलावा 79 लाख मरीजों में से 40 लाख से ज्यादा मरीज ठीक भी हो चुके हैं। दोस्तों साथ ही में आपको बता दें, अगर आपको पता नहीं है तो पूरी दुनिया भर में हर रोज 1 लाख से 1.5 लाख नए मरीज मिल रहे हैं चीनी बीमारी के। तो दोस्तों ये तो ताज़ा अपडेट था पूरी दुनिया भर का, लेकिन आइए अब एक नज़र डालते हैं अपने भारत के आंकड़ों पर। तो जैसा कि आप देख सकते हैं PTRnews.com की तरफ से चीनी बीमारी का बिल्कुल ताज़ा अपडेट आपकी स्क्रीन पर है। बीते रोज लगभग 24 घंटे में 10,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं चीनी बीमारी के हमारे भारत में। इन नए मामलों के आने के बाद अब हमारे भारत में चीनी बीमारी के टोटल मरीजों की संख्या हो गई है 3,31,724। दोस्तों जो भारत में 3 लाख मरीज हैं, तो इनमें से अब तक 9,485 लोगों की जान जा चुकी है, यानी जल्द ही भारत में चीनी बीमारी से मरने वालों की संख्या 10,000 को भी पार कर जाएगी। साथ ही में आपको बता दें कि बीते रोज लगभग 24 घंटे में 280 से ज्यादा लोगों की जान गई है। इसके अलावा बीते रोज लगभग 24 घंटे में 6,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए हैं चीनी बीमारी से। तो हमारे भारत में अब जो लोग संक्रमित हैं, जिन लोगों का इलाज चल रहा है, उनकी संख्या अब बढ़कर हो गई है 1,53,556। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 जून को करेंगे मन की बात, देश के लोगों से मांगे हैं सुझाव। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 जून 2020 को देश के लोगों से मन की बात करेंगे, और इस मन की बात में बहुत सारी बातें हो सकती हैं, चीनी बीमारी पर, लॉकडाउन पर, अनलॉक वन पर, इसके अलावा और भी बहुत कुछ पर। इसके अलावा पीएम मोदी ने लोगों से अपील की है कि अभी 28 जून आने में लगभग 2 हफ्ते का समय बचा हुआ है, तो ये जो 2 हफ्ते का समय बचा है, इसके बीच में पीएम मोदी ने पूरे देश के वासियों से कुछ सुझाव मांगे हैं चीनी बीमारी पर, लॉकडाउन पर। तो जो भी देश का नागरिक है वो पीएम मोदी के लिए कोई भी सुझाव दे सकता है, कोई भी सलाह दे सकता है। साथ ही में आपको बता दें कि प्रधानमंत्री ने लोगों को अपने मैसेज रिकॉर्ड करने के लिए एक नंबर भी जारी किया है, तो अभी हम आपको उस नंबर के बारे में बताएंगे। इसके अलावा आपको ये भी बताएंगे कि आप कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने सुझाव भेज सकते हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो गृह मंत्री LGCM की बैठक, दिल्ली के कंटेनमेंट जोन में हर घर का होगा सर्वे। जी हाँ, चीनी बीमारी को लेकर ये एक बड़ी खबर आई है। आपको बता दें दिल्ली में चीनी बीमारी के बढ़ते मामलों को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की ओर से बुलाई गई बैठक में कई फैसले लिए गए। आपको बता दें इस बैठक में दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल थे, इसके अलावा दिल्ली के उपराज्यपाल भी मौजूद रहे। आपको बता दें बैठक में इस बात के फैसले लिए गए हैं। अमित शाह ने ये भी कहा कि अगले 2 दिनों में दिल्ली में चीनी बीमारी जांच 2 गुनी और 6 दिन के बाद 3 गुनी कर दी जाएगी। शाह ने कहा कि मोदी सरकार दिल्ली सरकार को 500 रेलवे कोच देगी, ताकि दिल्ली में जो चीनी बीमारी के मरीज आ रहे हैं, तो उन लोगों को बेड की कमी ना हो। जो रेल के डब्बे के अंदर सीटें होती हैं, उनको ही बिस्तर बना दिया गया है चीनी बीमारी के मरीजों के लिए। दोस्तों इसके अलावा गृह मंत्री ने कहा कि दिल्ली के कंटेनमेंट जोन में सभी की जांच की जा सके, इसके लिए हर घर का सर्वे किया जाएगा, जिसकी रिपोर्ट 1 हफ्ते में आएगी। सभी लोगों को आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करवाया जाएगा। साथ ही में आपको बता दें कि अमित शाह ने ये भी कहा कि कंटेनमेंट जोन में जो भी मतदान क्षेत्र है, यानी जहां पर चुनाव होता है, तो वहां पर भी चीनी बीमारी का टेस्ट हो सके, इसकी सुविधा की जाएगी। दोस्तों वैसे तो ये सारे ऐलान दिल्ली के लिए थे, लेकिन आने वाले दिनों में इस तरह की व्यवस्था पूरे देश के लिए हो सकती है। जहां पर चीनी बीमारी के मरीज पाए जा रहे हैं, तो उस इलाके के सभी घर में चीनी बीमारी का टेस्ट किया जा सकता है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की,
की। तो हज यात्रा रद्द करने की तैयारी में है सऊदी अरब, अगले सप्ताह ऐलान है संभव। जी हां, चीनी बीमारी के बढ़ते प्रकोप के कारण सऊदी अरब प्रशासन इस साल हज यात्रा को रद्द करने पर विचार कर रहा है। सऊदी अधिकारियों के अनुसार 2020 हज यात्रा को लेकर एक सप्ताह के अंदर फैसला लिया जा सकता है। अगर आपको पता नहीं है तो हम आपको बता दें कि पूरी दुनिया भर से हर साल 20 लाख के करीब तीर्थ यात्री जाते हैं सऊदी अरब हज करने के लिए, लेकिन इस बार 2020 का जो हज है वो रद्द किया जा सकता है चीनी बीमारी के प्रकोप के कारण। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत ने की आत्महत्या, पुलिस को नहीं मिले कोई भी शक वाले सबूत। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक आज हो सकता है अभिनेता का अंतिम संस्कार। जी हां, फिल्म MS धोनी के अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या कर ली है। उन्होंने अपने बांद्रा स्थित घर पर फांसी लगाकर जान दे दी है। सुशांत के आत्महत्या की वजह अभी सामने नहीं आई है। पुलिस के रिपोर्ट के अनुसार वो पिछले 6 महीनों से डिप्रेशन से गुजर रहे थे। सुशांत के नौकर ने पुलिस को उनके आत्महत्या की जानकारी दी। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक ये बताया गया है कि पंखे से फंदा लगाकर उन्होंने आत्महत्या की। दोस्तों आपको बता दें, जैसे ही उनके मृत्यु की खबर पूरे देश में फैली तो बॉलीवुड की तरफ से, राजनीतिक दल की तरफ से, इसके अलावा खेल जगत की तरफ से भी बड़ी बड़ी हस्तियों ने उनके निधन पर शोक जताया है। आपको बता दें प्रधानमंत्री ने, इसके अलावा राहुल गांधी ने भी शोक जताया है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो सुशांत सिंह राजपूत के मामा का दावा, वो आत्महत्या नहीं कर सकता, हत्या हुई है, एक्टर के कमरे से मिली है कुछ दवाइयां। जी हां, ये भी खबर पिछले खबर से जुड़ी हुई है। जैसा कि हमने अभी आपको बताया कि बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत ने कथित तौर पर मुंबई के एक घर में आत्महत्या कर ली, लेकिन आपको बता दें इसी बीच सुशांत के जो मामा है उनकी तरफ से एक बड़ा दावा किया गया है और ये बताया गया है कि जो सुशांत है वो आत्महत्या नहीं कर सकते, उनकी हत्या हुई है, लेकिन पुलिस की तरफ से ऐसा कोई भी बयान नहीं आया है। लेकिन साथ में ये खबर जरूर आई है कि उनके कमरे से कुछ दवाइयां मिली है जो वो पिछले कुछ महीनों से ले रहे थे। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो सुशांत ने माँ के लिए लिखी थी आखिरी पोस्ट, कहा था जल्द ही खत्म होने वाला है जीवन। जी हाँ, जैसा कि हमने आपको बताया कि बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या कर ली है, लेकिन आपको बता दें वो अब इस दुनिया में नहीं रहे, बहुत सारे लोगों को ऐसा विश्वास नहीं हो रहा। दोस्तों आपको बता दें, जैसे ही अभिनेता सुशांत सिंह ने आत्महत्या की वैसे ही बॉलीवुड जगत में मातम सा छा गया है। आपको बता दें एक्टर का शव पोस्टमार्टम के लिए जा चुका है। आने वाले दिनों में जल्द ही उनकी मौत कैसे हुई इसकी सटीक जानकारी मिल सकेगी। लेकिन आपको बता दें उनकी आत्महत्या के बाद जो एक खबर आई है वो है उनके पोस्ट को लेकर। आपको बता दें सुशांत सिंह ने अपनी माँ के लिए एक आखिरी पोस्ट लिखी थी, यानी उनकी जिंदगी का ये आखिरी पोस्ट है जो कि उन्होंने अपनी माँ के लिए लिखा था। तो हम आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक देंगे जिस पर आप क्लिक करके ये जान पाएंगे कि सुशांत सिंह ने आत्महत्या करने से पहले जो उनकी आखिरी पोस्ट है उसमें आखिर क्या कहा है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो दिल्ली NCR में लॉकडाउन की तारीख बताने वाला वायरल मैसेज है फर्जी, सरकार ने कर दिया है खंडन। दोस्तों आपको बता दें कि PIB के एक ट्वीट में ये साफ कहा गया है कि सरकार ने इस तरह का कोई ऐलान नहीं किया है, इसके अलावा इस तरह का कोई मैसेज जारी नहीं किया है जिसमें ये बताया गया हो कि 18 जून से 4 हफ्ते के लिए लॉकडाउन लगने वाला है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो मुंबई में बाढ़ या तूफान की चेतावनी 3 दिन पहले मिल सकेगी, लगाया गया है खास सिस्टम। जी हां, देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में बाढ़ या तूफान का पता 3 दिन पहले लग सकेगा। इसके लिए आईफ्लोज मुंबई नाम का एक खास सिस्टम लगाया गया है। ये सिस्टम खास तौर पर बारिश और चक्रवातों के दौरान बाढ़ के लिए चेतावनी देगा। इस सिस्टम के जरिए 3 दिन पहले बाढ़ का अनुमान लगाना संभव होगा। इसके अलावा मुंबई में अगर बाढ़ आने वाली होगी तो 12 घंटे पहले ही इस सिस्टम के जरिए पता चल जाएगा रिपोर्ट के मुताबिक। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो पेट्रोल और डीजल के दामों में फिर हुई बढ़ोतरी, आइए बताएं पेट्रोल डीजल के ताजा भाव। जी हां, पेट्रोल और डीजल के दामों में फिर बढ़ोतरी हुई है। लगातार 8 दिनों से पेट्रोल डीजल के दाम महंगे हो रहे हैं। लगभग 8 दिनों में पेट्रोल 4.5 रुपए से ज्यादा महंगा हो चुका है और डीजल भी 4.5 रुपए से ज्यादा महंगा हो चुका है। आपको बता दें बीते रोज रविवार को पेट्रोल फिर से 62 पैसे महंगा हुआ है। इस महंगाई के बाद राजधानी दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 75.78 रुपए हो गई है। इसके अलावा अगर बात करेंगे डीजल की तो डीजल भी 64 पैसे महंगा हुआ है बीते रोज रविवार को। आपको बता दें इस महंगाई के बाद अब राजधानी दिल्ली में 1 लीटर डीजल की कीमत 74.03 रुपए हो गई है। हम आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक देंगे जिस पर आप क्लिक करके अपने शहर के भी पेट्रोल डीजल का ताजा भाव जान पाएंगे। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो शहरी गरीबों के लिए होनी चाहिए मनरेगा जैसी योजना, सरकार ला सकती है और प्रोत्साहन पैकेज, अश्रीमा गोयल का बयान। जी हां, प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार काउंसिल की अंशकालिक सदस्य आशिम गोयल ने कहा है कि चीनी बीमारी की परेशानी से निपटने के लिए सरकार और प्रोत्साहन पैकेज ला सकती है। लोगों को राहत मिले और चीनी बीमारी को रोकने में मदद मिले और इससे जो परेशानियां आ रही हैं गरीबों पर, तो उनका भी कुछ हल निकले। आपको बता दें इसी के साथ उन्होंने एक सुझाव भी दिया है कि शहरी गरीबों के लिए मनरेगा जैसी कोई योजना लाई जाए। आपको बता दें मनरेगा योजना गाँव में चलती है जिसके तहत गरीब लोगों को काम दिया जाता है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो जानिए हमारे देश का नाम भारत कैसे पड़ा, बेहद रोचक है ये जानकारी। दोस्तों इन सभी खबरों के बीच हमारे भारत को लेकर एक बड़ी ही अद्भुत खबर आई है जिसके बारे में आप जरूर जानना चाहेंगे।
दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है कि हमारे भारत देश का नाम आखिर भारत कैसे पड़ा है? तो आपको बता दें, PTRnews.com की तरफ से इस पर एक आर्टिकल आया है जिसमें ये बताया गया है कि आखिर हमारे भारत का नाम भारत कैसे पड़ा। हम आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक देंगे जिस पर आप क्लिक करके इसके बारे में जान पाएंगे। बात करेंगे आज की अगले बड़े खबर की, तो व्हाट्सएप जल्द लॉन्च करने वाला है शानदार फीचर, एक अकाउंट से चलेंगे 4 डिवाइस। जी हां, व्हाट्सएप को लेकर ये एक बड़ी खबर आई है। आपको बता दें, व्हाट्सएप में एक खास फीचर आने वाला है जिसके तहत आप एक नंबर के जरिए 4 मोबाइल में या कह लें 4 डिवाइस में व्हाट्सएप को चला पाएंगे। बात करेंगे आज की अगले बड़े खबर की, तो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए हल्दी, तुलसी और जिंजर दूध से लेकर स्पेशल इम्यून खिचड़ी जैसे कई प्रोडक्ट आ गए हैं बाजार में। चाय और कॉफी के भी कई खास वेरिएंट हुए हैं लॉन्च। दोस्तों, अगर आप नहीं जानते तो हम आपको बता दें कि चीनी बीमारी को लेकर इम्यून सिस्टम का बहुत ज्यादा महत्व है। जिन लोगों का इम्यूनिटी सिस्टम बहुत अच्छा होता है, मजबूत होता है, तो ऐसी ताजा रिपोर्ट है कि उनको चीनी बीमारी का खतरा बहुत कम होता है। इसके अलावा जिन लोगों का इम्यून सिस्टम कमजोर होता है तो उन लोगों को चीनी बीमारी का खतरा बहुत ज्यादा होता है। दोस्तों, आपको बता दें, इम्यून सिस्टम को बढ़ाया भी जा सकता है। तो इसी कड़ी में अब बहुत सारी कंपनियां कई तरह के प्रोडक्ट लॉन्च कर रही हैं जिसमें दूध है, चाय है, कॉफी है, जिसमें ये बताया जा रहा है कि इसके सेवन से आपका जो इम्यून सिस्टम है वो मजबूत होगा। हम आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक देंगे जिस पर आप क्लिक करके ये भी जान पाएंगे कि आप घर में ऐसी क्या चीजें खा और पी सकते हैं जिससे आपका इम्यून सिस्टम मजबूत हो। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो रेलवे स्टेशन पर नहीं रहेगी मोबाइल डिस्चार्ज होने की चिंता, स्टेशनों पर लग रहे हैं खास कियोस्क। जी हां, आपके फोन में चार्जिंग कम है और आप घर से रेलवे स्टेशन के लिए निकल पड़े हैं तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब वेस्टर्न रेलवे की तरफ से रेलवे स्टेशनों पर खास तरह के डिवाइस लगाए जा रहे हैं या कहें कियोस्क लगाए जा रहे हैं जो कि पूरी तरीके से सोलर एनर्जी से चलते हैं, यानी कि सूरज से चार्ज होंगे, और इस वाले डिवाइस से लोग अपने फोन को चार्ज कर पाएंगे रेलवे स्टेशन पर। तो इसमें एक बार में 8 मोबाइल या अन्य तरह के डिवाइस चार्ज किए जा सकते हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो LIC की इस खास पॉलिसी में लगाएं पैसा, 65,000 रुपए की मिलेगी पेंशन। जी हां, ये खबर LIC की तरफ से आई है। आपको बता दें, अगर आने वाले बुढ़ापे के दिनों में जो भी लोग अच्छा पेंशन पाना चाहते हैं और पैसे के मामले में कोई परेशानी नहीं देखना चाहते तो वो लोग इस स्कीम को ले सकते हैं। आपको बता दें, ये एक LIC की खास पॉलिसी है जिसमें आपको इकट्ठे कम से कम 5 लाख रुपए देने होते हैं। तो दोस्तों, ये जो LIC की पॉलिसी है इसके और भी बहुत सारे फायदे हैं और इसके और भी बहुत सारे नियम हैं। तो इसके लिए हम आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक देंगे जिस पर आप क्लिक करके इस पॉलिसी के बारे में बिल्कुल सही से जान पाएंगे। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो रक्षा मंत्रालय में 10वीं पास के लिए नौकरी का शानदार मौका। जी हां, अगर आप 10वीं या 12वीं पास है और रक्षा मंत्रालय में नौकरी का सपना देख रहे हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। आपको बता दें, 10वीं और 12वीं पास वालों के लिए रक्षा मंत्रालय की तरफ से एक बहुत अच्छे वैकेंसी और भर्ती की खबर आई है जिसमें आप 26 जून 2020 तक आवेदन कर सकते हैं। हम आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक देंगे जिस पर आप क्लिक करके इस वैकेंसी के बारे में अधिक जानकारी जान पाएंगे। इसके अलावा आपको कैसे अप्लाई करना है, कहां से अप्लाई करना है, ये भी जान पाएंगे। बात करेंगे आज की अगले बड़े खबर की, तो मैकडॉनल्ड ने शुरू किया रेस्टोरेंट का परिचालन, सुरक्षा उपायों का रखा जाएगा ध्यान। जी हां, मैकडॉनल्ड की तरफ से ये खबर आई है कि उत्तर और पूर्वी भारत में मैकडॉनल्ड के जो शॉप हैं वो खोल दिए गए हैं और इनका परिचालन शुरू हो गया है। लेकिन आपको बता दें, चीनी बीमारी की वजह से अब जो नियम है वो पहले से बिल्कुल डिफरेंट होंगे। चीनी बीमारी के सभी नियमों का पालन करना होगा। इसके अलावा रेस्टोरेंट में जाते वक्त तापमान भी चेक किया जाएगा। दोस्तों, अगली खबर बताने से पहले आपके लिए एक बड़ा सर्वे और एक बड़ा सवाल। अगर आप इसमें हिस्सा लेंगे और इस सवाल का जवाब देंगे तो इससे बहुत कुछ पता चलेगा। जैसा कि अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि अब जो कंटेनमेंट जोन है दिल्ली के, तो वहां पर अब हर घर के लोगों को चीनी बीमारी का टेस्ट देना होगा। तो आप हमें इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि क्या चीनी बीमारी को रोकने के लिए इस तरह की व्यवस्था पूरे देश में ही लागू कर देनी चाहिए कि सभी घर में जाकर सभी लोगों का टेस्ट किया जाए, तो ऐसा करना चाहिए या नहीं। फटाफट से अपनी राय इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो अमेजोन पर चल रही है बंपर सेल, जूते, कपड़े, सैंडल अभी आपको मिल सकते हैं बहुत सस्ते में। जी हां, ये खबर अमेजोन की तरफ से आई है। अगर आप अभी पहनने वाले बहुत सारी चीजें सस्ते में खरीदना चाहते हैं तो एक बार अमेजोन को विजिट कर सकते हैं। हम आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे देंगे जिस पर आप क्लिक करके जान पाएंगे कि अमेजोन पर कौन कौन सी चीजें सस्ते में मिल रही हैं। तो दोस्तों, आज 15 जून 2020 की यही ताजा खबरें थी और महत्वपूर्ण खबरें थी। उम्मीद करते हैं इससे आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। दोस्तों, जाते जाते आपको एक और जानकारी बता दें कि अभी हमने आपको वीडियो के शुरू में बताया था कि PM मोदी 28 जून को मन की बात करने वाले हैं जिसके लिए पूरा देश सुझाव दे सकता है। तो आपको कैसे सुझाव देना है, कहां पर जाकर सुझाव देना है, इसके लिए हम आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रहे हैं जिस पर आप क्लिक करके इसके बारे में भी जान पाएंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।